Friends, welcome to our channel All in One Having Everything You Need. Friends, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द अर्थ, इसके कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, इसकी शेप के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कुछ स्पेशल डेज जैसे कि समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस, अबाउट द मूवमेंट ऑफ अर्थ, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, अबाउट सीजन्स और लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड इक्लिप्स, सबके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो हमारा बाकी का सोलर सिस्टम था वो हमने कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम अर्थ के साथ साथ मून के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं द अर्थ एवरीथिंग यू नीड टू नो। सबसे पहले में हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स अबाउट द अर्थ। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ये ओनली प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। जो अर्थ का पोलर सर्कमफ्रेंस है वो है अराउंड 40,008 किलोमीटर्स और जो इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस है वो है अराउंड 40,075 किलोमीटर्स। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस और पोलर सर्कमफ्रेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो है अराउंड 67 किलोमीटर्स का। जो एरिया है अर्थ का वो है नियरली, ये अप्रॉक्सीमेट है, ये है अराउंड 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। जो अर्थ है वो है फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसमें कहा जाता है कि आप जो नंबर ऑफ प्लैनेट्स आपको चार या पाँच दिए जाते हैं आपको उसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है, तो उसमें अर्थ जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। जो पेरियज है ये है एक ऐसी पोजीशन ऑफ अर्थ जब वो सबसे नियरेस्ट पॉइंट पे होती है टू द मून। ये हमें याद रखना है, कुछ पोजीशन जो होती है वो रिलेट करती हैं सन के साथ और कुछ करती हैं मून के साथ। जो पेरियज है वो है नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ टू द मून और ये है अराउंड 356,000 किलोमीटर्स। इनके बीच में तब डिस्टेंस होता है जब वो नियरेस्ट पॉइंट पे होती है मून के रिलेट में। एंड जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है एपोजी, ये है फार्देस्ट पोजीशन ऑफ मून टू द अर्थ या फिर ऑफ द अर्थ टू द मून। ये फार्देस्ट डिस्टेंस है जब मून और अर्थ एक बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा दूरी पर होंगे उस पॉइंट को कहा जाएगा एपोजी और ये होता है अराउंड 407,000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है तब इन दोनों के बीच में। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एपीहेलियन। दिस इज द फार्देस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। अभी हम बात करेंगे सन की, इससे पहले हमने मून की बात करी थी और पर ये एपीहेलियन है वो रिलेट करता है सन के साथ और ये होता है अबाउट 152 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस तब इन दोनों के बीच में होता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पेरिहेलियन, ये है क्लोजेस्ट ये है क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। ये सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होता है अर्थ का फ्रॉम सन जब वो रेवोल्यूशन में होती है अबाउट द सन और ये जो डिस्टेंस रहता है तब इन दोनों के बीच में होता है 147 मिलियन किलोमीटर्स का। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये जो पोजीशन है ये सबसे दूर है सन से और इसे कहते हैं एपीहेलियन और ये जो होती है ये पोजीशन अराउंड फोर्थ ऑफ जैन या थर्ड ऑफ जैन को आती है और जो ये जो पोजीशन है ये है पेरिहेलियन की पोजीशन और ये आती है फोर्थ ऑफ जुलाई को और ये है क्लोजेस्ट पॉइंट टू सन ऑफ अर्थ। जो आप और एक चीज़ इसमें हम जो पहले पढ़ी थी वो थी एपोजी एंड पेरियज, ये मून के लेटर में पोजीशन होती है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है अबाउट द शेप ऑफ अर्थ। जो अर्थ है वो है एक ओबलेट स्फेरॉइड। जो अर्थ का शेप है वो स्पीयर के जैसा है, अ स्पीयर विच इज़ फ्लैटेंड अलोंग द एक्सिस। जो ओबलेट स्फेरॉइड होता है वो एक ऐसा स्पीयर होता है जो फ्लैटेंड होता है अलोंग द एक्सिस फ्रॉम पोल टू पोल।
जो पोल पे जो उसकी पोजिशन होती है वो थोड़ी फ्लैटेंड होती है, और जो होता है ब्लज, उसमें एक ब्लज होता है, वो ब्लज कहाँ पर होता है, अराउंड द इक्वेटर। जैसा कि आपने अर्थ को देखा होगा, वो थोड़ा ब्लज है अराउंड द इक्वेटर एंड वो फ्लैट है पोल्स के ऊपर। जो ये शेप है इसे जियोइड भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट भी जीएस पार्ट में, या फिर आपको रीजनिंग पार्ट में आ सकता है, जो आपके ऑड वन आउट का जो क्वेश्चन होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एट इक्वेटर आर वेट विल बी लेस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। इसे पूछते हैं कि आपका वेट कहाँ पर कम होगा, इक्वेटर पे, पोल्स पे, या किसी और पार्ट ऑफ अर्थ पे। तो हमारा जो वेट होता है वो सबसे ज़्यादा कम होगा जब हम होंगे इक्वेटर पे, और जब हम पोल्स की ओर बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो वेट है वो भी बढ़ता जाएगा। इसका रीज़न ये है कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो इक्वेटर पे कम होती है, और पोल्स की तरफ जब जाते हैं तो जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारा जो वेट है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ ग्रेविटी पे। जो नेक्स्ट चीज़ है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, ये है जियोडेसी। ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है मेजरिंग द अर्थ साइज एंड शेप। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस है जो मेजरिंग करती है अर्थ साइज एंड शेप। तो आपका आंसर होगा जियोडेसी। जो नेक्स्ट वन है वो हम बात करेंगे अबाउट द इक्विनॉक्सेस। अब ये इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं? दीज आर द डेज व्हेन द नाइट्स एंड द डेज आर इक्वल इन लेंथ। जब द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इक्वल होती हैं उन्हें हम कहते हैं इक्विनॉक्स। अब ये होती कब है? इन दिस सिचुएशन द सन इज वर्टिकली ओवर हेड एट द इक्वेटर। जब तो सन होता है वो वर्टिकली ओवर हेड होता है इक्वेटर के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब सन वर्टिकली ओवर हेड होता है इक्वेटर के ऊपर, तभी जो होता है वो इक्विनॉक्स अकर होता है। इक्विनॉक्स एक ईयर में दो बार होता है, पहला आता है वर्नल इक्विनॉक्स जो कि होता है 21 मार्च को। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जो नेक्स्ट है वो है ऑटोमनल इक्विनॉक्स, ये आता है 23 सितंबर को। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारी चीज़ आती है वो है सोलस्टाइस। अब हमने इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ लिया, अब सोलस्टाइस क्या होता है? सोलस्टाइस क्या होता है? आफ्टर द वर्नल इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स जब अकर होता है 21 मार्च को, उसके बाद जो सन होता है वो अपीयर होता है, ऐसा लगता है कि जो सन है वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रहा है, और वो नॉर्थ पोल की तरफ मूवमेंट कर रहा है। और जब वो सन नॉर्थ की तरफ मूवमेंट करते हुए वर्टिकली ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जब वर्टिकली ओवरहेड होगा सन, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे समर सोलस्टाइस। और ये अकर होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अकर होता है 21 जून को। ये अकर होगा 21 जून को। और जो विंटर सोलस्टाइस है ये कब होगा? जब जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर ओवरहेड होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे ओवरहेड होगा सन, तब होगा विंटर सोलस्टाइस। और ये अकर होता है 22 दिसंबर को। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि विंटर सोलस्टाइस किस दिन होता है। तो आपका आंसर होगा 22 दिसंबर। जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अर्थ के मूवमेंट पे। जो अर्थ की मूवमेंट होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है रोटेशन एंड दूसरी होती है वो रेवोल्यूशन। जो अर्थ होती है वो रोटेट करती है ऑन इट्स ऑन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बनता है कि जो अर्थ की रोटेशन है वो किस डायरेक्शन में है। तो आपका आंसर होगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये अपना एक रोटेशन पूरा करती है 24 आवर्स में। ये प्रिसाइज नहीं है, ये हम अप्रोक्सीमेट 24 आवर्स इसको मानते हैं। इसकी वजह से जो होता है वो होता है डे एंड नाइट। जो अर्थ का रोटेशन है वो कॉज करता है डे एंड नाइट। जो इसका सेकंड जो मूवमेंट है वो है रेवोल्यूशन।
It revolves around Sun in an orbit once in every year or once in every 365 days. It causes the seasons and the year. जो rotation है वो cause करता है day and night को और जो revolution है वो cause करता है seasons and year. अब हम इस पर थोड़ा deep बात करेंगे. पहले पढ़ेंगे rotation of earth. Earth spins on its axis from west to east. जैसा कि आप इस picture में देख पा रहे हैं ये west to east इसकी rotation है. अब ये जो precise time है वो है 23 hours 56 minutes 40.91 seconds. ये आपको याद नहीं रखना है, बस ऐसे ही आपको बताया जा रहा है कि ये precise time है earth की एक rotation का. स्पीड ऑफ रोटेशन इज मैक्सिमम एट इक्वेटर. ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रोटेशन की स्पीड मैक्सिमम कहाँ पे होती है और मिनिमम कहाँ पे होती है. तो मैक्सिमम स्पीड होगी आपकी इक्वेटर पे और ये स्पीड हम जब पोल्स की तरफ जाएंगे तो ये स्पीड डिक्रीज करती जाएगी. इसकी वजह से होता क्या क्या है, इसकी वजह से पहली चीज़ होती है वो होती है डे एंड नाइट और जो दूसरी चीज़ होती है वो है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करंट्स. इसकी वजह से जो विंड्स की डायरेक्शन है और ओशन करंट्स की डायरेक्शन है वो दोनों चेंज होती हैं. और क्या होता है, राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स. टाइड्स जो होती हैं वो जो लहरें होती हैं समुद्र में उसकी जो वेवलेंथ वगैरह होती है, फ्रिक्वेंसी होती है उसका, उस पर भी असर पड़ता है रोटेशन ऑफ अर्थ का. अ डिफरेंस ऑफ वन आर बिटवीन द टू मेरिडियंस विच आर 15 डिग्री अपार्ट. जो मेरिडियंस होती हैं जो कि 15 डिग्री अपार्ट पे हैं उसके बीच में ये वन आर का जो है वो डिफरेंस अकर करती है. तो नेक्स्ट चीज़ है वो है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ. इट इज़ अर्थ्स मोशन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन. इसमें हमें दो बातें पता चली हैं कि जो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है वो सन के अराउंड होता है और वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है. जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है, वो इलिप्टिकल है. इसका जो प्रिसाइज टाइम है वो है 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 45.51 सेकेंड्स. इसी की वजह से आफ्टर एवरी 4 ईयर्स हमें एक लीप ईयर मिलता है जिसमें कि एक दिन जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है जो कि फेब के महीने में जोड़ा जाता है 29th ऑफ फेब. अब इससे इसका रिजल्ट क्या होता है, इसके रिजल्ट में होता है चेंज इन सीजन. रेवोल्यूशन की वजह से चेंज इन सीजन होता है. वेरिएशन ऑफ लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, इसमें डे एंड नाइट का जो होता है वेरिएशन होता है. एंड शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स, जो विंड बेल्ट्स होती हैं उनकी भी शिफ्टिंग होती है ड्यू टू रीजन ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ. ये जो टॉपिक है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इन द एग्जाम ऑफ CDS. उसमें आपको तीन चार स्टेटमेंट दे देंगे और पूछा जाएगा विच वन इज ट्रू. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस एग्जाम के लिए. जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सीजन्स. सीजन्स क्या होते हैं, दे आर पीरियड्स इन विच ईयर इज डिवाइडेड एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस. ये एक ऐसे पीरियड्स हैं जिसमें एक होल ईयर को डिवाइड कर दिया जाता है जो रिजल्ट होते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस के. अब इंडिया में मेनली 4 सीजन्स होते हैं जो कि हैं स्प्रिंग, देन आता है समर, देन आता है ऑटम और देन आता है विंटर. तो ये आप सभी को पता होंगे, बहुत ही इजी चीज़ है ये. देन हम बात करेंगे लैटिट्यूड्स. सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है, बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि लैटिट्यूड्स कौन से होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कौन से होते हैं. तो सबसे पहले हम लैटिट्यूड पढ़ेंगे. इट इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ मेजर्ड इन डिग्री. तो ये एक एंगुलर डिस्टेंस होता है किसका, ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ, अर्थ पे किसी भी पॉइंट का जो कि मेजर किया जाता है इन डिग्रीज में. जो 1 डिग्री लैटिट्यूड है वो होता है अप्रॉक्सीमेट 111 किलोमीटर के बराबर. तो आपने देखा होगा जो ये सर्कुलर लाइंस होती हैं अर्थ पे, आपने ग्लोब पे देखी होंगी, तो इन्हें कहा जाता है लैटिट्यूड्स. जो ये सर्कुलर लाइंस होंगी ये पैरेलल होती हैं इक्वेटर के, तो इन्हें कहा जाता है लैटिट्यूड्स. नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की. लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, इट इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस अलोंग द इक्वेटर. तो ये एक एंगुलर डिस्टेंस है किसका, ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस अलोंग द इक्वेटर.
इन 1884, इसकी थोड़ी हिस्ट्री में बात करेंगे. इन 1884 इट हैज़ बिन डिसाइडेड दैट अ जीरो मेरिडियन इज वन. तो इन्होंने बहुत सारी लाइन्स ड्रॉ कर दी थी, हाइपोथेटिकल लाइन्स ड्रॉ कर दी. तो फिर जो झगड़ा हुआ वो इस बात पे हुआ कि जो जीरो मेरिडियन होगी वो कौन सी होगी, मतलब कि जो रेफरेंस माना जाएगा वो किस लाइन को रेफरेंस माना जाएगा. तो तब ये डिसाइड हुआ कि जो लाइन रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि है ग्रीनविच, ग्रीनविच कहाँ है, वो लंदन के पास में एक जगह है, जो उस वहाँ पे जो लाइन क्रॉस करती है उसे माना जाएगा जीरो मेरिडियन. इसलिए उसे जीरो मेरिडियन माना गया. और एक लाइन थी जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट में थी ऑन द ग्लोब, जो कि 180 डिग्रीज पे थी, क्योंकि वो जीरो डिग्री पे थी और पूरा ग्लोब 360 डिग्रीज का उन्होंने बांट दिया था. तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट में लाइन गई थी 180 डिग्रीज वाली. तो उस लाइन को माना गया था इंटरनेशनल डेट लाइन. ये भी एग्जाम में पूछा जाता है विच मेरेडियन इज इंटरनेशनल डेट लाइन. तो उसमें दी जाती है जीरो मेरेडियन, 180 डिग्री मेरेडियन और दो और ऑप्शन होंगे. तो आपका ऑप्शन होगा 180 डिग्री मेरेडियन वाला, जो कि एग्जैक्टली ऑपोजिट थी टू द प्राइम मेरेडियन. प्राइम मेरेडियन कौन सी थी, जो कि ग्रीनविच से क्रॉस करती थी. सच पॉइंट्स आर कॉल्ड एंटीपोडल पॉइंट्स. जो भी पॉइंट्स 180 डिग्री की जो मेरेडियन पे आते हैं उन्हें कहा जाता है एंटीपोडल पॉइंट्स. एंटीपोडल जो होता है वर्ड, इसका डायरेक्टली जो मीनिंग होता है वो होता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन और इन ऑपोजिट ऑफ. तो ये ऑपोजिट थे जीरो मेरेडियन से, इसलिए इन पॉइंट्स को कहा जाता है एंटीपोडल पॉइंट्स. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द सोलर इक्लिप्स. इससे ही बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में. सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ. जब जो मून होता है वो सन और अर्थ के बीच में आता है, उसे हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स. इट कैन बी पार्शल और टोटल. या तो ये पार्शल हो सकता है, कुछ पार्ट को ये कवर करेगा सन के, या फिर ये टोटल भी हो सकता है. जो मेन पॉइंट इसमें आता है जिससे क्वेश्चन बनता है वो है इट कैन हैपन ओनली ऑन अ न्यू मून डे बट इट नेवर अकर्स ऑन ऑल न्यू मून डेज. ये जो सिर्फ है ये न्यू मून डे के दिन ही हो सकता है, अकर हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि ये सभी न्यू मून डे पे अकर होगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ याद रखनी है. तो नेक्स्ट है वो है लूनर इक्लिप्स. जो ये है इट अकर्स व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड द सन. जो सोलर था उसमें जो मून था वो सेंटर में आता था, अब इसमें क्या है, इसमें जो अर्थ है वो आएगी इन बिटवीन मून एंड द सन. तो ये आपको दोनों पॉइंट बहुत ही याद रखने हैं, अच्छे से आपको ध्यान से ये पढ़ने हैं. इट अकर्स ओनली ऑन फुल मून डे. तो ये अकर होता है फुल मून डे पे. जो सोलर वाला था वो अकर होता था न्यू मून डे पे. इसमें भी ऐसा ही है बट नॉट एवरी फुल मून डे. ये अकर तो फुल मून डे पे ही हो सकता है बट ना कि सभी फुल मून डे पे ये अकर होगा. जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में. अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले इसमें चीज आती है द क्रस्ट. जो क्रस्ट है वो आउटर मोस्ट एंड थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ है. जिस लेयर पे हम रहते हैं उसे कहा जाता है क्रस्ट. ये सबसे आउटर मोस्ट और थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ है. जो मोहरोविक या मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी है मार्क्स द लोअर लिमिट ऑफ क्रस्ट. ये जो डिसकॉन्टिन्यूटी है ये क्रस्ट और मेंटल को अलग अलग करती है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आपको याद रखना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है. विच डिसकॉन्टिन्यूटी सेपरेट्स द क्रस्ट एंड मेंटल ऑफ अर्थ. तो आपका आंसर होगा मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी. जो ये लेयर है जो क्रस्ट है अर्थ का उसे सियाल भी कहा जाता है. सियाल से क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो रॉक्स इसको बनाते हैं वो रिच होते हैं सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम में. जैसा कि आपको पता है सिलिकॉन का जो केमिकल फार्मूला है वो Si है और जो एल्यूमिनियम का है वो है Al. तो इसलिए इन दोनों को मिलाकर इसे सियाल भी कहा जाता है. जो नेक्स्ट चीज़ है वो है मेंटल, द मेंटल. जो ये दूसरी लेयर है ऑफ अर्थ, इट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर इन थिकनेस. इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है इसलिए इसे फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू
अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। जैसा कि क्रस्ट को जो कहा जाता है सियाल कहा जाता था, इसे कहा जाता है सीमा सीमा, क्योंकि जो इसके रॉक्स हैं वो रिच हैं सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम में। सिलिकॉन का जो केमिकल फॉर्मूला वो SI है और जो मैग्नीशियम का है वो MA है। तो इसे MG है वैसे, पर फिर भी इसे MA ही यहाँ पे डिनोट किया जाता है, तो इसे सीमा कहा जाता है। द ट्रांजिशनल जोन सेपरेटिंग द मेंटल फ्रॉम कोर एंड मेंटल इज कॉल्ड गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो जो डिसकंटिन्यूटी मेंटल और कोर को सेपरेट करती है उसे कहा जाता है गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इस पर भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कोर। जो कोर है वो एक तरह से न्यूक्लियस ऑफ अर्थ है, अर्थ का इनर मोस्ट जो लेयर है उसे कहा जाता है कोर ऑफ अर्थ। तो जो इसका रेडियस है वो है अराउंड 3500 किलोमीटर्स। इस लेयर को नाइफ के नाम से भी जाना जाता है। नाइफ वो काटने वाली नाइफ नहीं, इसका जो नाम है वो NIFE नाइफ है, क्योंकि इसके जो रॉक्स हैं वो जो है वहाँ पे लार्जर कंसंट्रेशन ऑफ आयरन जिसका कि केमिकल फार्मूला FE है, और निकल जिसका कि केमिकल फार्मूला NI होता है, वो यहाँ पे पाई जाती है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अबाउट द कोर इज दैट जो यहाँ की डेंसिटी है वो है अराउंड 17.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब जो एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ से बहुत ज़्यादा है। अब एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ जो होती है वो कितनी होती है, वो है अराउंड 5.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, बट जो डेंसिटी ऑफ कोर है वो 17.2 है। तो एक बहुत ही ज़्यादा है फ्रॉम द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। इस पर क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे मून के बारे में। जो मून है उसका जो 59% जो सरफेस है वही हमें डायरेक्टली विजिबल होता है फ्रॉम द अर्थ, और ये अपनी एक रेवोल्यूशन पूरी करने में अराउंड द अर्थ ये टाइम लेता है 27 days, 7 hours, 43 minutes and 11.47 seconds। इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन एग्जैक्टली सेम टाइम एज ऑफ वन रेवोल्यूशन। इसका एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन का जो टाइम है वो भी लगभग सेम सेम है। यही कारण है कि इसका हमें जो फुल सरफेस है 100% जो सरफेस है वो हमें विजिबल नहीं है, ओनली 59% जो सरफेस है वो हमें विजिबल है। इसका रीज़न यही है कि इसका जो रोटेशन और रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो एग्जैक्टली सेम है। इसका सर्कमफ्रेंस है अराउंड 11,000 किलोमीटर्स का। जो इसका डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ वो है 382,200 किलोमीटर्स का, और जो मूनलाइट है वो लेती है अराउंड 1.3 सेकंड्स टू रीच द अर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में एक दो बार पहले पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि मूनलाइट कितना टाइम लेती है टू रीच द अर्थ, वो है 1.3 सेकंड्स। अब इसमें दो फेज होते हैं मून के। पहला जो फेज है वो है न्यू मून। ये होता है, दिस इज़ द फेज व्हेन द मून इज़ बिटवीन द अर्थ एंड द सन। जब मून अर्थ और सन के बीच में होता है तब ये फेज अकर होता है, और जो पार्ट जो हमारी तरफ अर्थ की तरफ जो फेज होता है वो पार्ट कंप्लीट डार्कनेस में होता है। इसमें तो हम कह सकते हैं कि न्यू मून इज इक्वल टू नो मून, क्योंकि इसका जो विजिबल पार्ट है वो कंप्लीट डार्कनेस में होगा, इसलिए हमें वो दिखाई लगभग नहीं देगा। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फुल मून का। दिस अकर्स ऑन 14th day, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 14th day आफ्टर द न्यू मून। द मून एट दिस टाइम शोज फुल लाइटेड सरफेस। जो सरफेस अर्थ पे विजिबल होता है फुल मून डे वाले दिन मून का, वो फुल लाइटेड होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि फुल मून इज इक्वल टू कंप्लीट मून। हमें 59% जो सरफेस दिखाई देगा वो क्या होगा, पूरा लाइटेड होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं न्यू मून का और ये है फुल मून का। तो लास्ट में एक फिनोमेना आता है वो है ब्लू मून। जो ब्लू मून होता है वो अकर करता है जब टू फुल मून्स एक ही सिंगल मंथ में अकर होंगे, तो जो सेकंड वाला
फुल मून होगा उसे कहा जाता है ब्लू मून। इस पे जो एक बहुत ही ईडियम बना हुआ है, बहुत ही मशहूर ईडियम है इंग्लिश का, वंस इन ए ब्लू मून। तो ये बहुत ही एक रेयर चीज़ है जो बहुत डिफ़िकल्टी से अकर होती है। तो आज हमने फ्रेंड्स पढ़ा अबाउट द अर्थ, अबाउट द मून, हमने कुछ फैक्ट्स वगैरह की बात भी करी। इसका जो नेक्स्ट हम जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। इन द लास्ट, रिस्पेक्ट योर कंट्री, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। थैंक यू एंड जय हिंद।